डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रपोजल था जिसमें सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े उसके लिए दो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, 70 विधानसभाओं के हिसाब से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स दिल्ली सरकार खरीदेगी और जितनी भी पीडब्ल्यूडी की बड़ी रोड्स हैं, 1449 किलोमीटर की रोड की लंबाई है, उन रोड्स की सफाई दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। दूसरा, डस्ट ना उड़े, धूल ना उड़े, पेड़ों के ऊपर जो धूल है वो भी जो है उतर के नीचे आ जाए, उसके लिए 250 वार्ड्स के हिसाब से 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स जिनके साथ इंटीग्रेटेड होगी एंटी स्मॉग गन, इसका प्रावधान भी किया है, वो भी कैबिनेट ने आज इसका अप्रूवल दे दिया है। पानी देने का काम वो दिल्ली जल बोर्ड देगा, वो करीब 1500 किलोलीटर पर डे का पानी इनको दिया जाएगा। इसके लिए अनुमानित खर्च जो है 2388 करोड़ रुपए खर्च होंगे 7 से 10 साल, तो इन सालों में 2388 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।